कराची में लेयर मरकजी इमाम बारगाह स्टील टाउन में महरम अलहराम के हवाले से इमाम बारगाह इंतजामिया और स्टील मिल इंतजामिया के हवाले से सैयद महमूद अख्तर नकवी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतमाम और इंतजाम अज़ादारी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शुहरा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा और आयने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मजरिया 1973 में दर्ज अहम अवामी निकात के हवाले से गुफ्तगू की गई। बैरिस्टर सैयद महमूद अख्तर नकवी ने कहा कि मरकजी इमाम बारगाह में पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया इमाम बारगाह की अंजुमन को हरासा करना बंद करें। इन्होंने स्टील मिल डायरेक्टर और स्टील मिल इंतजामिया को भी आड़े हाथों लिया। मजीद इनका कहना था कि वजीर आजम पाकिस्तान आर्मी चीफ कवर कमांडर कराची डीजी रेंजर्स को अपील की कि इन इंतशार फैलाने वाले अनासिर को रोकने, हम आजादारों के साथ हैं, हम अंजमन को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। डायरेक्टर महमूद शाह स्टील मिल इमाम बारगाह के कामों में रुकावट बने हुए हैं, अंजमन को तंग कर रहे हैं, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौका पर सैयद अब्बास नजम मुगल मौजूद थे।